हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एम ऑफ क्लास सेवन हनी कॉम एन बुक लेकिन मेरे पीछे है क्लास सिक्स से क्लास एट की पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट्स के वीडियोस बना दिए हैं आपको बहुत अच्छे से इन वीडियोज़ को देखना है समझना है और कोई भी डाउट है तो आप

अब इन चैप्टर्स के जो भी हम चैप्टर्स के अभी एम सी क्यूज दे रहे हैं उनकी ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर सब कुछ हम कवर कर चुके हैं यू कैन फाइंड दैट इन द्ले लिस्ट जो प्ले लिस्ट है वो मैं आपको बता दूंगी कि आपको मैग एंड्रिंस की वेबसाइट पर कैसे मिलेंगे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ लिटिल समरी शॉर्ट समरी ऑफ दिस पोम फॉलोड बाई द क्वेश्चन आंसर्स मतलब एम सी क्यूज ठीक है इससे क्या होगा एक फटाक से रिविजन हो जाएगा सो समरी ऑफ मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन The poem tells us that once upon a time, the poet had a talking fan which used to give an electrical chatter. Now you have to understand कि यहाँ जो हमारे जो poem है वो मतलब poet बोल रहे हैं कि इसमें poet एक टॉकिंग फैन के बारे में बात कर रहे हैं नाउ कैन अ फैन टॉक ऑफ कोर्स नॉट तो हमने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज की है पर्सोनिफिकेशन जहां हमने फैन को एक ह्यूमन एबिलिटी दी है इसीलिए उसे पर्सोनिफाई कर दिया है सो so, यहां पे वो एक टॉकिंग फैन की बात कर रहे हैं जिसका इलेक्ट्रिकल चैटर है मतलब वो इलेक्ट्रिकल वे में बात करता है बेसिकली क्या होता है जब भी आपका जो फैन होता है उसमें प्रॉपर ऑयलिंग नहीं होती या किसी भी तरीके का मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इश्यू होता है तो उसमें से आवाज आती ये जब वो वर्ल कर रहा होता है वर्ल मतलब रोटेट कर रहा होता है तब उसमें से आवाज आती है उसको यहाँ पे जो हमारे पोइट हैं, वो इलेक्ट्रिकल चैटर कह रहे हैं The poet could not hear what the talking fan would say, and she wrote that she hoped that the electrical chatter was meaningless in context. अब जो हमारी poet हैं वो यहाँ बोल रही हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा वो जो फ़ैन है वो क्या कहना चाहता है ओबियसली फैन कुछ नहीं कहना चाहता है वो सिर्फ एक आवाज़ निकाल रहा है बट जो पोइट ने अपना इमेजिनेटिव पावर यूज़ किया उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे बात करना चाहता है लेकिन वो समझ नहीं पा रही हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है

अब जैसे उन्होंने ऑयलिंग करी तो फिर वो एकदम स्मूथली चलने लग गया अब उसका इलेक्ट्रिकल चार्टर नहीं है तो वो अपनी बात नहीं कर पा रहा है एंड इसलिए हमारी पॉइंट समझ नहीं पाई कि ये जो मिस्टीरियस फैन है ये क्या कहना चाहता है

Now we are going to start with the MCQs. So the first question that you have in here is The fan had a weird. What did it have? Weird kya tha? Mechanical language, chemical language, electrical language, or electronic language. Kasi thi is It had an electronic language. Okay. Next is. इज द पोएट ऑफ द पोम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन ये मैंने आपको बताया था एमसी क्यूज में रिमेंबर दिस थिंग की हो सकता है कुछ लाइन्स देते हैं और आपसे पूछा जाए ये कौन सी पोम का पोम की लाइन्स हैं यह आपसे हमेशा पोएट के बारे में डेफिनेटली पूछा जा सकता है सो यू हैव टू रिमेंबर दिस हु इज द पोएट ऑफ द पोम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन कम ऑन क्विकली टेल मी देंसर इज मॉड रॉबिन Next is the phrase, talking fan. अब ये जो talking fan है, है <coughs> मतलब कोई verb है और वो उन्होंने एक talking fan बना दिया इसको. तो टॉकिंग फैन क्या होगा यहाँ पे इज इट अ वर्बल फ्रेज फ्रेज वर्ब या पार्टिसिपल अगर हम सिर्फ टॉकिंग की बात करते तो वो एक जेरेंड हो जाता लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉरी वो एक आ, पार्टिसिपल हो जाए लेकिन टॉकिंग फैन जब हम पूरे इसकी बात कर रहे हैं ये है एक वर्बल फ्रेज क्या बोलते हैं हम इसको एक वर्बल फ्रेज नेक्स्ट इज The the chatter of the talking fan. अब ये जो चैटर था टॉकिंग फैन का ये एथिकल था एथिकल का मतलब होता है जो आप नियम और कानून के अंदर में करते हो मतलब जो आप एथिक्स के अकॉर्डिंग करते हो एक होता है लॉलेस बिना लॉ के था या इलेक्ट्रिकल था इलेक्ट्रिकल का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसी होती है तो ऑब्वियसली व्हाट विल बी द आंसर इसका चैटर कैसा था इलेक्ट्रिकल था नेक्स्ट इज द लैंग्वेज ऑफ द फैन बॉज फर्स्ट जो लैंग्वेज थी फ़ैन की इनिशियली क्या वो एक मिस्ट्री थी या क्या एक फैक्ट थी कि हाँ अगर फैन ऐसी आवाज़ कर रहा है इसका मतलब वो मुझसे ये कहना चाह रहा है एक स्टोरी थी या एक टेल थी टेल का मतलब स्टोरी ही होता है सो so, क्या था इनिशियली जो पोइट के लिए ये जो लैंग्वेज था फैन का क्या था वो एक मिस्ट्री थी द टॉकिंग फैन वॉज ट्राइंग टू ये जो टॉकिंग फैन है वो क्या करना चाह रहा था इट वॉज ट्राइंग टू डिस्टर्ब दर ऑथर ऑथर डिस्टर्ब हो रहा था स्पीक विद ऑथर वो ऑथर से बात करना चाह रहा था या एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स या टॉकिंग फैन सिर्फ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहा था सो एज पर पोम जो ये टॉकिंग फैन है वो ऑथर से बात करना चाह रहा था इट वॉज ट्राइंग टू स्पीक विद द वट हाउ वॉज ऑल द मिस्ट्री स्पॉइल्ड लेकिन पूरी मिस्ट्री स्पॉइल हो जाती है कैसे हो जाती है स्पॉइल क्योंकि किसी दिन कोई आता है और फैन में प्रॉपर ऑयलिंग करता है और चला जाता है सो so, इलेक्ट्रिशियन जो आता है वो ये ऑयलिंग करके चला जाता है सो so, आंसर क्या होगा संबडी ऑयल्ड द वॉलिंग मोटर

वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्ट्री अब यहां पर जो ये मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन कहा है तो मिस्ट्री का मतलब यहां पर क्या है एक्सप्लेन डिफिकल्ट फर्मली या स्ट्रेंज अब मिस्ट्री का बहुत सिंपल सा मीनिंग है यहां पे स्ट्रेंज मतलब अलग सा अजीब सा नेक्स्ट इज द वर्ल्ड वर्लिंग अब मैं आपको कंटिन्यूसली बता रही हूँ वर्लिंग का मतलब क्या होता है इन सर्कलिंग रोटेटिंग या वर्ल्ड अब वर्लिंग का मतलब वर्ल्ड होगा नहीं इसका मतलब होता है रोटेटिंग रोटेटिंग मतलब घूमना हाउ डज वट डज हिज कैंड फॉर हिज चैटर तो यहां पर हम किसके चैटर की बात कर रहे हैं हिज का मतलब क्या है द मशीन द वर्कमैन द साइकिल या द फैन आंसर इज सिंपल द फैन इफ़ द इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप अब यह जो इलेक्ट्रिक करंट है अगर उसको रोक दिया जाए मतलब सिम्पल स्विच ऑफ कर दिया जाए द चार्टर विल बिगिन वापस चार्टर स्टार्ट हो जाएगा द फैन चार्टर विल स्टॉप फैन का चार्टर रुक जाएगा पीपल विल फेस प्रॉब्लम्स लोगों को दिक्कत होगी या बोथ ए एन बी अब अगर आपका फ़ैन आवाज़ कर रहा है लेट्स अज्यूम आपका फ़ैन आवाज़ कर रहा है लेकिन आपने उसको स्विच ही ऑफ कर दिया सो ऑबियसली बातें क्या होगा फ़ैन का चार्टर रुक जाएगा क्योंकि फैन घूमना ही बंद कर देगा नेक्स्ट इज इफ सम मोटर द टॉकिंग फैन रैन एज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी ने उसकी जो वर्लिंग मोटर है उसको ऑयलिंग कर दिया उसमें नाउ इट विल रन एज स्मूथ एज वाटर और एज स्टिल एज वाटर दिस इज फ्रॉम योर पोम सो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वॉट वॉज पॉइल्ड एट द एंड अब स्पॉइल क्या हो गई लास्ट में क्योंकि पोइट को लग रहा था ये जो फैन है ये मुझसे कुछ मिस्टीरियस वे में बात करने वाला है देर इज मिस्ट्री बिहाइंड इट लेकिन जब किसी ने ऑयलिंग कर दी तो अब आवाज ही नहीं हो रही थी तो मिस्ट्री तो खत्म हो गई सो वॉट वॉज स्पॉइल्ड फैन का कंप्लेनिंग साउंड फैन का टोन फैन की रिदम या फैन की चैटरिंग क्या था फैन का कंप्लेनिंग साउंड फैन so, जो है एक तरीके से कंप्लेन कर रहा था हमारे तो तो कुछ, कुछ, कुछ क्या मांग रहा था बेसिकली वो ऑयलिंग मांग रहा था इट वॉज नॉट आस्किंग फॉर फ्रेंड्स और अटेंशन और कॉन्वर्सेशन इट वॉज आस्किंग फॉर ऑयलिंग कि भैया मुझे ऑयल कर दो वरना मुझे घूमने में बड़ी तकलीफ हो रही है नेक्स्ट इज वॉट द टॉकिंग फैन सेट द स्पीकर हियर्स अब जो भी फैन कह रहा था क्या जो हमारे स्पीकर हैं उनको हर कुछ समझ आ रहा था या उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो देर वॉज नो मिस्ट्री लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था इसीलिए द आंसर विल बी स्लाइटली ऑफ दैट जो भी हमारा फैन कहने की कोशिश कर रहा था तो हमारे जो स्पीकर हैं उन्हें थोड़ा बहुत समझ आ रहा था When did the फैन run smoothly? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो हमारा फ़ैन है ये स्मूदली रन करना कब स्टार्ट किया इसने जब उसको रेयरली ऑयल करते थे या उसको रेगुलरली ऑयल करते थे या उसको कभी कभी रिपेयर करते थे या नन ऑफ दी अबव ऑब्वियसली बात है हमारा फ़ैन तब स्मूदली रन करेगा अगर आप उसको रेगुलरली ऑयल करोगे ओके द टॉकिंग फैन वॉज मिस्टीरियस बिकॉज अब ये जो हमारा टॉकिंग फैन था था ये मिस्टीरियस क्यों बिकॉज इट ऑलवेज ट्राइड टू स्पीक समथिंग विद अदर्स दैट नो वन वो हमेशा दूसरों से कुछ बात करने की कोशिश करता था जो किसी को समझ नहीं आया इट कैन डू मिस्टीरियस थिंग्स अलग अलग तरीके की मिस्टीरियस चीजें करता था या इट ऑलवेज गेव अस अ मिस्टिकल मैसेज वो हमेशा एक मिस्टिकल मैसेज देता था सो वट इज द आंसर द आंसर इज क्लियर इट इज ए कि वो हमेशा ऐसा लगता था पोइट को कि वो दूसरों से बात बात करने की कोशिश कर रहा है एंड दैट इज इट हियर वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चन आंसर्स लाइक जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू हैं इस छोटी सी पोम से वो हमने बना दिए हैं हर एक लाइन से एक एमसीक्यू लिया गया है मतलब एक क्वेश्चन लिया गया है सो नाउ वी आर डन अब हम मिलेंगे कब हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर का एम सी क्यूज और समरी स्टार्ट करने वाले हैं ये सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मैग्नेट प्रिंस की वेबसाइट पर ईजीली यूट्यूब पे भी मिल सकती है बट यहाँ पे आपको बहुत ईजी तरीके से मिलेगी आपको सिर्फ होम पेज पे जाना है जहाँ क्लासेस मैंशेंड है आप क्लास सेलेक्ट करोगे एज पर द क्लास सब्जेक्ट्स अपेयर हो जाएंगे सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे टॉपिक सेलेक्ट करोगे नीचे एंड आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा नाउ दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट वे टू फाइंड ऑल आर वीडियोज इंस्टेड ऑफ जस्ट आप गूगल कर रहे हो या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो ओके आई सी यू होके नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाई